सोसाइटी के अंदर कुत्तों के काटने के मामले शांत होने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन कोई न कोई वारदात सामने आती रहती है। अब ताज़ा मामला यूपी के ग्रेटर नोएडा का है, जहां की एक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई 2 की यूनिट 1 होराइजन सोसाइटी में एक पालतू कुत्ते ने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पर काट लिया। ये पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड सोसाइटी के एक टावर में अपनी ड्यूटी दे रहा है, तभी उसके पास एक पालतू कुत्ता भागते हुए आता है और उस पर भौंकना शुरू कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वो कुत्ता उसके हाथ में काट देता है। इसी बीच कुत्ते की मालकिन दौड़ते हुए आती है और कुत्ते को डंडे से दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक कुत्ता सिक्योरिटी गार्ड को अपना शिकार बना चुका होता है। कुत्ते के इस हमले से सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में काफी चोट आई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना का संज्ञान पुलिस ने वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लिया है। अभी तक मामले में पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं मिली है। पालतू कुत्ते के हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। नोएडा और गाजियाबाद की सोसाइटियों में पालतू कुत्तों के हमलों की इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुत्तों के हमले से परेशान गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों ने बुधवार रात जमकर हंगामा किया था। सोसाइटी वालों ने 1.5 घंटे तक सड़कों को जाम कर दिया था और सोसाइटी के बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की थी। आपको बता दें कि मंगलवार रात 2 आवारा कुत्तों के हमलों में सोसाइटी की एक महिला और एक 3 साल के बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया था। We'll be right back.